जब हराम महीने बीत जाए मुश्रिकों को पकड़ो घेरो मारो पीटो। हमारा सनातन धर्म का ग्रंथ कभी भी कमांड नहीं देता। सनातन धर्म हमेशा सही रास्ता दिखाता है, अब तुम उस पे चलो ना चलो वो तुम्हारी मर्जी। जैसे कि वेज और नॉन वेज, बहुत लोग सोचते हैं कि सनातन धर्म यानी कि एंशियंट इंडिया में भी नॉन वेज खाया जाता था। अब जैसे कि मनुस्मृति चैप्टर 5:51, दोज हु परमिट्स द स्लॉटर ऑफ एन एनिमल, दोज हु कट्स इट, दोज हु किल्स इट, दोज हु बायस और सेल्स इट, दोज हु सर्व्स इट, Those who eats it must be all considered as murderer of the animal. सारे बराबर के पापी हैं। अभी और सुनो अथर्ववेदा चैप्टर 6:140.2 और चैप्टर 10:1.29 में भी मीट खाना मना किया गया है और क्या खाना चाहिए वो भी बोला गया है। और जो मदरसा छाप बोलते हैं कि हमारे वेदास में गौ हत्या को अलाउ किया गया है वो कान खोल के सुने। भगवत गीता चैप्टर 10:13 में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए और शरीर की पोषण के लिए खाना पकाते हैं और खाना खाते हैं वो असल में खाना नहीं पाप को ही खाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि जब तुम रेगिस्तानों में नंगा घूमते थे तो हमारे यहाँ महल बन चुका था। ये पापी कसाई बाहर से आके हमारे यहाँ एनिमल की हत्या और एनिमल्स को खाना स्टार्ट किया है, वरना हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरत धरती पे कभी अनाज की कमी हुई नहीं जो हम बेजुबान जानवरों को हत्या करके खाए।